हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। मैं समझ रही हूँ कि आज सुबह सुबह आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चंद्रशेखर सर आएंगे और वो आपकी सुबह वाली क्लास कंडक्ट कराएंगे, लेकिन देखिए सर की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसके कारण सर आज सुबह वाली क्लास लेने में असमर्थ हैं। इसलिए सर के बदले आज ये वाली जो क्लास होती है सुबह 5 बजे की, जिसे चंद्रशेखर सर पढ़ाते हैं, उसे केवल और केवल आज के लिए मैं कंडक्ट कराऊंगी। जो भी बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, देखिए नाम मेरा संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बच्चों हैदराबाद डेक्लेरेशन के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि ये हैदराबाद डेक्लेरेशन है क्या, क्या क्या इस डेक्लेरेशन में बातें हुई, कहाँ पर इस डेक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया, मतलब सारा का सारा बैकग्राउंड, सारी की सारी चीज़ें। चलिए अब एक और बात आप लोगों को सेशन के स्टार्ट होने के पहले बता दूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। देखिए सर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और सर की तरह मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दिल्ली की ठंड में सुबह के कड़ाके के 5 बजे लाइव क्लास इस तरीके से बोर्ड पर ले पाऊँ। इसलिए मैं पेन टैब के माध्यम से ले रही हूँ। आप सभी को जहाँ पर भी दिक्कत आएगी क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे से एकदम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है कि सारी की सारी स्लाइड्स, ये जो बैरियर है ना हमारे बोर्ड का या फिर पेन टैब के कारण जो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, उस बैरियर के इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट को मैंने अपने एंड से रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। तो चलिए हम अपने सेशन को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस सेशन में आज के लिए केवल संस्कृति मैम के साथ, वरना फिर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए चंद्रशेखर सर फिर से रेस्ट के बाद आज के कल फिर से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। तो डोंट यू गाइस वरी एट ऑल। चलिए अब क्या है, हैदराबाद नाम का बच्चे एक डेक्लेरेशन हुआ, ठीक है ना, हैदराबाद डेक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये डेक्लेरेशन क्या है। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है हैदराबाद डेक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस। देखिए ऐसा है, अगर आप मेरे टीचिंग पैटर्न की बात करेंगे तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ। उसका ये रीज़न है कि आपके जीवन में कभी बैरियर ही ना हो कि मैम हमें हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती इसलिए दिक्कत है, और मैम हमें इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती इसलिए दिक्कत है। तो दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, फ्यूज़ करके चलेंगे, मिक्स करके चलेंगे। चलिए तो हमारा डिस्कशन किस बात पर है, हैदराबाद डेक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का क्या मतलब हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक शासन होता है, उसके ऊपर ही ये हैदराबाद डेक्लेरेशन साइन हुआ था। तो एक बात सबसे बड़ी आपके प्री के लिए, ठीक है ना, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि भाई साहब अगर कोई आपसे पूछे कि हैदराबाद डेक्लेरेशन जो था वो किस चीज़ से संबंधित था, इट वॉज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या फिर ई शासन जिसे कहा जाता है। अब भाई पहले शासन समझ लेते हैं ना, इसके बाद फिर बाकी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ देखिए आपके GS पेपर 2, ठीक है, GS पेपर 2 में जिसमें आपका पूरा का पूरा क्या है, शासन व्यवस्था के बारे में और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन। अब पूरा जो ये डेक्लेरेशन है वही गवर्नेंस के ऊपर है, तो इस पेपर के लिए भी ये पूरा का पूरा टॉपिक अपने आप में इन अ नटशेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे कि शासन का क्या मतलब है या ई गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। तो देखिए शासन का कुल मिला के मतलब ये होता है कि जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का जो एक पूरा का पूरा चैनल होता है। इन सारी चीज़ों को आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि यही शासन कहलाता है, या जो सुशासन की बात करते हैं वो यही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से अगर
गवर्नेंस हो रहा है, शासन चल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है, और इसी पर अपनी हैदराबाद डिक्लेरेशन हुआ है या हुई है। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, स्लाइड्स पे चलते हैं जल्दी से। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ठीक है ना, जिसे DARPG कहा जाता है इंग्लिश में, जिसे कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवरेंस, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने, इन दोनों ने मिलकर के, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है ना, और किसने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवरेंस, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के तेलंगाना राज्य के सहयोग से, ठीक है, क्या किया, 7 से 8 जनवरी को, ठीक है, 7 से 8 जनवरी को ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है ना। तो आपके लिए एक ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि इस साल का जो ई गवर्नेंस सम्मेलन था, ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर ई गवर्नेंस ऐसे करके नाम है, ठीक है, तो कौन से नंबर का था मैम? 2021 वाला जो हुआ वो 24वें नंबर का था। कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ। कब से कब, किस से किस तारीख के बीच में हुआ? 7 से 8 जनवरी के बीच में हुआ। कौन सी दो संस्थाओं ने मिलकर के इसमें क्या किया, सारा का सारा अपना इनपुट दिया? एक तो अपना था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवरेंस, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए क्या था, तेलंगाना राज्य सरकार थी, ठीक है ना। और इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, 24वें सम्मेलन को आयोजित किया, किस चीज़ के, ई गवर्नेंस का जो 24वां सम्मेलन था उसे, ठीक है। और इसी सम्मेलन में क्या हुआ है, अपना हैदराबाद डिक्लेरेशन है वो साइन हुआ है। आगे देखेंगे कि ये डिक्लेरेशन किन किन चीज़ों की बात करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से एक बार क्या करती हूँ, नंबर्स में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले सीक्वेंस में 7 से 8 जनवरी को क्या हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। हाँ जी, 7 से 8 जनवरी को क्या हुआ, 24वें नंबर की, ठीक है, ई गवर्नेंस से संबंधित या 24वें नंबर का ई गवर्नेंस सम्मेलन क्या हुआ, आयोजित हुआ। 2021 का ये सम्मेलन था, ठीक है ना, 2021 का 24वां ई गवर्नेंस सम्मेलन 7 से 8 जनवरी के बीच क्या हुआ, आयोजित किया गया, तेलंगाना राज्य में किया गया। और इसको आयोजित करने वाली कौन कौन सी दो संस्थाएं थी, एक तो अपना क्या था, DARPG, ठीक है, तो ये हो गया क्या, संस्थाएं DARPG और MeitY, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, ऑर्गेनाइज किया ये सम्मेलन जो कि ई गवर्नेंस पे था। और छठवां पॉइंट अपना बनता है कि इसमें हैदराबाद डिक्लेरेशन की भी बात की गई। तो एक ही स्लाइड से 6 पॉइंट्स निकल करके आते हैं आपके लिए। प्री के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मेंस के लिए भी जब आप किसी आंसर की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। चलिए, आई होप सर जितना बेहतरीन पढ़ाते हैं उसका 0.01% कंटेंट एटलीस्ट मैं डिलीवर कर पा रही होंगी और अपने पॉइंट को रख पा रही होंगी। देखिए, शासन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, पहली बात तो UPSC के मेंस का पेपर 2 ही पूरा का पूरा शासन व्यवस्था से संबंधित है। और इन जनरल देखिए, ये पूरा का पूरा एग्जाम ही किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए है। तो इसके कारण भी गवर्नेंस वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा बाकी पार्ट से वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही होता है, चाहे वो प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, या फिर मैं तो कहती हूँ इंटरव्यू के लिए भी हो, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं,
और क्या सारी बातें हुई इस सारे के सारे सम्मेलन में। ई गवर्नेंस 2021 पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, मैंने कहा आपसे कि 24th नेशनल कमीशन या 24th नेशनल समिट कह लीजिए ऑन ई गवर्नेंस क्या हुआ है, कंडक्ट हुआ है तेलंगाना में। लेकिन देखो भाई हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना में भी कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ये हमारा 7वां पॉइंट बन सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा, जिसे हम हैदराबाद डिक्लेरेशन कह रहे हैं ना, इसे आप हिंदी में हैदराबाद घोषणा भी कह सकते हैं। चलिए तो हैदराबाद डिक्लेरेशन जो है, ठीक है, 2 दिनों के बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद क्या हुआ, इसे एक्सेप्ट किया गया, इसे अपनाया गया, ठीक है। कहाँ पे अपनाया गया, जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है ई गवर्नेंस पर हैदराबाद तेलंगाना पे, तेलंगाना में हुआ है, वहीं पर हैदराबाद घोषणा को या फिर हैदराबाद डिक्लेरेशन को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, देखेंगे आगे कि हैदराबाद डिक्लेरेशन में क्या है, हमें यही देखना है, डोंट वरी। लेकिन कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो नेशनल समिट हुआ है ना ऑन ई गवर्नेंस, इसमें 2 बातें बहुत ज़्यादा खास तौर पर निकल करके आई है, ठीक है। सीक्वेंस में लिखिएगा, इसलिए मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ, कलर्स को इस तरीके से चेंज कर रही हूँ कि आपको पता चले। मैं बात अभी कर रही हूँ किसकी, ये जो पूरा का पूरा क्या हुआ है, प्रोग्राम हुआ है, नेशनल समिट हुई है ऑन ई गवर्नेंस, उसमें 2 बातों पे बहुत ज़्यादा क्या दिया गया है, एम्फेसिस दिया गया है, ध्यान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद घोषणा की बात हम आगे करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं जिस इवेंट में इस घोषणा को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, उस इवेंट में किन किन चीजों की बात हुई, ठीक है। तो सबसे पहले सचिवालय सुधार, स्वच्छता अभियान, लोक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। पहली बात ये हुई इस सम्मेलन में कि इन सारी चीज़ों पे क्या किया जाए, सुधार किया जाए, चाहे वो सेवा वितरण हो, चाहे वो लोक शिकायत हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, हर सारी चीज़ों पर, इन सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही साथ और क्या किया जाए, ई ऑफिसेस को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है। मतलब चीज़ों को डिजिटाइज किया जाए, चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाए, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितना कम से कम हो, जो एक मतलब होता है ना, आजकल हम वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम भी वर्चुअली पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से क्या किया जाए, ऑफिसेस को भी ई ऑफिसेस में कन्वर्ट किया जाए और ई ऑफिसेस को बढ़ावा दिया जाए। सारे ऑफिसेस सेम होंगे, बस उनका काम क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, इन्हें ही ई ऑफिस कहा जाता है। तो ये 2 बात हुई खास तौर पे कहाँ पर, नेशनल समिट जो हुई ऑन ई गवर्नेंस उसमें, ठीक है। चलिए इस सम्मेलन का जो विषय था, इस सम्मेलन का जो विषय था या फिर आप कहिए इस सम्मेलन की जो थीम थी, ठीक है ना, लिख लीजिए, थीम भी आपसे पूछी जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सीधे थीम पूछी जाती है। तो ये जो नेशनल 24th नेशनल समिट ऑन ई गवर्नेंस था 2021, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में क्या हुआ था, कंडक्ट हुआ था, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, भारत की तकनीक महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्या था इस बार की थीम, भारत की तकनीक महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इस चीज़ को मैंने इंग्लिश में रखा हुआ है क्योंकि क्या है, कन्वर्ट करने का कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर मैं क्या करती, हिंदी में कन्वर्ट करती, तो ये केवल अभी जो आपको वो दिख रहा है ना, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, वो चेंज होकर के हिंदी में हो जाते हैं ना। तो ये जो पूरा का पूरा क्या था, पूरा का पूरा इवेंट था नेशनल समिट या नेशनल कमीशन ऑन ई गवर्नेंस, उसमें 6 सब थीम्स भी थी। मतलब एक थीम तो ये हो गई कि भारत की तकनीक महामारी के बाद के दुनिया में डिजिटल शासन, ये तो मेन थीम थी ही, इसके साथ ही साथ 6 थीम्स भी थी। बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना, बस एक एक बार नाम देख लीजिए कि आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज का क्या होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो हर किसी तक पहुँचनी चाहिए। इनोवेशन पे क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज निकल करके आ रही हैं उन पे काम होना चाहिए। ईज ऑफ लिविंग को क्या करना चाहिए, मतलब जो जी आसानी से लोग
आसान तरीके से लोग अपना जीवन जी पाए, है ना। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोगों का जीवन आसान बना सकते हैं, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ला सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों की भी बात हुई। ये भी एक अपने आप में सब थीम था इस पूरे के पूरे इवेंट का, नेशनल समिट ऑन किसका, ई गवर्नेंस पर। डिजिटल इकोनॉमी को क्या करना चाहिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग सेफ बनाने की बात हुई, और साथ ही साथ जनता ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होने लगे, मतलब इकोनॉमी के मामले में, फाइनेंस के मामले में। तो इस तरीके से इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ पे लोगों को ये ना लगे कि डिजिटली अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो क्या है, या वो अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं तो कहीं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये सारी सब थीम्स थी इस इवेंट की। चलिए अब बात करते हैं हैदराबाद किसकी, हैदराबाद डिक्लेरेशन की। तो देखिए हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या है, क्योंकि ये सारा का सारा इवेंट हैदराबाद में हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, एक घोषणा पत्र साइन किया गया, उसको हैदराबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे का यही एक रीज़न है कि क्यों इस डिक्लेरेशन को, क्यों इस घोषणा पत्र को हैदराबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा जो इवेंट है वो हैदराबाद में कंडक्ट हो रहा था, और सारा का सारा इवेंट हैदराबाद में ही कंडक्ट हो रहा था, इसलिए क्या किया गया इसी के, और साथ में इस घोषणा पत्र को भी क्या किया गया, वहीं पे साइन किया गया, इसलिए इसे हैदराबाद डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। यहाँ तक सॉर्टेड है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में जितना मज़ा चंद्रशेखर सर के साथ पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है आप लोगों को, उसका कुछ नहीं, कुछ ना सही तो 0.001% तो अच्छा लग ही रहा होगा। चलिए अब सेशन को लाइक एंड शेयर करने की जिम्मेदारी भाई साहब आप लोगों की है, ठीक है। मैं केवल आज के लिए ही पढ़ा रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी बीच में ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूँ, मेरा नाम है संस्कृति और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। सर की क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसके कारण सर आज सुबह के 5 बजे वाले सेशन को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो केवल आज के लिए बस मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बाकी फिर कल से सर फिर से रिज्यूम करेंगे, डोंट यू वरी, ठीक है। चलिए और क्या, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद डिक्लेरेशन की। जो भी बच्चे अगर पहली बार का मतलब है कि अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एक हैदराबाद डिक्लेरेशन नाम का एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है बच्चे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है ना, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया है, कई सारे फैक्ट्स देख लिए हैं कि हमसे किस तरीके से चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और अब आगे हम सीधे आ गए हैं हैदराबाद डिक्लेरेशन में कि इस डिक्लेरेशन, इस घोषणा पत्र में किन किन चीज़ों की बात करी गई है। तो सबसे पहले मैम ये घोषणा पत्र साइन किसके बीच में हुआ है, कौन कौन इस घोषणा पत्र में जो अलग अलग बातें दी गई हैं उस पर अमल करेगा, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो देखो केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में ये सारा का सारा क्या हुआ है, एक घोषणा पत्र को साइन किया गया है ताकि ताकि क्या हो, दोनों स्तर की सरकारें मिल करके जो ई गवर्नेंस का भारत में स्तर है ना, ई गवर्नेंस मैं समझा चुकी हूं, प्लीज थोड़ा सा क्या करिएगा सेशन को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो ई गवर्नेंस का जो स्तर है उसे और बेहतर से बेहतर हम कर सके, ठीक है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके कदम से कदम मिला करके किस तरीके से भारत में ई गवर्नेंस को और बेहतर बना सकती है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के ये हैदराबाद घोषणा जो है वो साइन करी गई है। चलो अब जल्दी से देखो कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं इसमें। अभी कुछ बच्चे शिकायत कर रहे होंगे कि मैम आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चे ऐसा है कि चंद्रशेखर सर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सर में इतना ज़्यादा मतलब क्षमता है कि सर दिल्ली की कड़ाके की 5 बजे की ठंड में आप लोगों को सुबह बोर्ड से लाइव पढ़ा पाते हैं, मेरे में इतनी क्षमता तो नहीं है, ठीक है, इसलिए मजबूरन मुझे आप लोगों को इस तरीके से पीपीटी के साथ पेनटैप से पढ़ाने की मेरी मजबूरी है। लेकिन हाँ मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज़ें इतनी सिस्टमैटिक रहे कि ना 100% सही तो 10% ही सही, 20% ही सही आप तक कंटेंट डिलीवर हो। चलो तो हैदराबाद डिक्लेरेशन में सबसे पहली
बात क्या हुई, किस चीज की बात हुई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लाना, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म हम अपने बनाए, सरकार इस तरीके से अपना जो इंटरफेस वगैरह होता है ना वेबसाइट्स का और बाकी चीजों का, उसे इस तरीके से मेंटेन करें, इस तरीके से लेकर के आए कि नागरिक और सरकार के बीच में जो भी खाई है ना वो कम होती नजर आए। ऐसा ना हो कि डिजिटलाइज करने के चक्कर में सरकार और नागरिकों के बीच में खाई बढ़ जाए। तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता, ठीक है, नागरिक और सरकार को करीब लाने की कोशिश, इनके बीच में जो खाई है, एक जो डिफरेंस है, एक जो गैप है, उसे कम करने की बात कही गई है कि कोशिश की जाएगी कि इसे कम किया जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। केंद्र सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी करेगी, दोनों के दोनों करेंगे। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन और सहमति ढांचे सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपाय के माध्यम से नागरिक सेवाओं को बदलना। मतलब ये सारी जो इतनी सारी चीजें हैं ना, इतनी सारी अपने पास, भारत के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, चाहे वो यूपीआई की हो, चाहे डिजी लॉकर की हो, चाहे ई साइन की हो, ठीक है ना। तो क्या करना कि जो एक पुराना तरीका हुआ करता था नागरिकों को सेवाएं देने का सरकारों की तरफ से, उस तरीके को अपग्रेड करना, उस तरीके को बदलना, है ना। सब कहते हैं ना समय के साथ बदलाव जरूरी है ना। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स के पास आपने देखा होगा कि बहुत पुराने अगर फ़ोन रहते हैं, या फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी नाना नानी, तो हम कहते हैं ना कि आप भी अपडेट हो जाओ, आप भी अपग्रेड हो जाओ, अब एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, टच फ़ोन आ गए, इनको यूज़ करो। तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, समथिंग लाइक दैट, कि जितनी भी सेवाएं, जितनी भी सर्विसेज सरकार की तरफ से जनता तक जा रही है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। चलिए, पुरातन तरीके से बस सारा काम ना किया जाए। अगले पॉइंट को देखते हैं हम जल्दी से। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है कि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन को फास्ट ट्रैक किया जाए। मतलब कि जो नेशनल लेवल के डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, देखो राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो वेबसाइट्स होती है सेंट्रल लेवल पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल की जो वेबसाइट्स हो गई या फिर और भी कई सारी चीज़ें हो गई, जो पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोई भी, उसे क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जल्दी से जल्दी इनका क्रियान्वयन किया जाए, ठीक है, फास्ट ट्रैक तरीके से क्या हो, इन सभी का क्रियान्वयन हो। वैसे तो एक बात, पहले क्या होता था कि जो सरकारी वेबसाइट्स होती थी वो बहुत रुलाती थी, मतलब खुलती ही नहीं थी, लेकिन इस चीज़ के लिए तो भाई अप्रिसिएशन बनता है सरकार का कि सरकार ने काफ़ी कोशिश करी है चीज़ों को डिजिटलाइज करने की। और साथ ही साथ आप अगर देखो आजकल सरकारी वेबसाइट खोलो, बड़ा सुंदर सा इंटरफेस होता है, बड़े अच्छे से वेबसाइट्स काम भी कर रही होती हैं, अब नॉट ऑल लेकिन हाँ कई सारी। चलो और क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि से जुड़ी सेवाओं के लिए ओपन इंटरपोल आर्किटेक्चर को अपनाकर। मतलब क्या एक ओपन इंटरपोल आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और इसको अपना करके क्या करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि से जुड़ी सेवाएं जनता तक, जनता को प्रदान करने की बात कही गई है इस हैदराबाद डिक्लेरेशन के तहत। चलो, सरकारी संस्थाओं के भीतर नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा के लिए डेटा गवर्नेंस ढांचे का संचालन करना और एक नकारात्मक सूची को छोड़कर data.gov.in पर सभी डेटा उपलब्ध कराना, ठीक है। मतलब सरकारी संस्थाओं के भीतर जो भी डेटा है, ठीक है, अलग अलग संस्थाओं के अंदर अलग अलग डेटा होगा, है ना, तो क्या करना, उन सारी चीज़ों को एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अगर डेटा एक्सचेंज करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें क्या हो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है ना। और क्या, डेटा उपलब्ध कराना, डेटा संग्रह, डेटा हार्वेस्टिंग, डेटा की गोपनीयता, डेटा का अनामीकरण, डेटा सुरक्षा, है ना, डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ा अपने आप में क्या है, एक इशू है ना, आए दिन क्या होता रहता है, डेटा ब्रीच होता रहता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी दोनों की दोनों सरकार मिलकर के केंद्रीय स्तर की और राज्य स्तर की दोनों क्या करेंगी, बढ़िया से बढ़िया क्या कुछ ना कुछ अपना
इनिशिएटिव लेकर के आए और इन सारी चीजों को और ज्यादा दुरुस्त करें, ठीक है। डेटा सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल सक्षम करें। अब देखो प्रोटोकॉल भी बने कि किस तरीके से डेटा को क्या किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, और क्या जो डेटा अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकते हैं। मतलब कि डेटा सुरक्षा की बात है, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा पॉइंट आपका किससे संबंधित है, डेटा सुरक्षा से संबंधित है। घूम फिर के ये कि दोनों की दोनों सरकार, चाहे राज्य स्तर चाहे केंद्र स्तर, दोनों साथ में मिलकर के इस तरीके से प्रोटोकॉल वगैरह बनाएंगे कि जिस तरीके से अभी डेटा ब्रीच होता है या डेटा के साथ छेड़छाड़ी होती है, ठीक है, तो क्या किया जा सके, डेटा का संरक्षण किया जा सके, डेटा सिक्योरिटी देश में इंश्योर की जा सके, और साथ ही साथ जो एक्सचेंज ऑफ डेटा है, ठीक है, वो क्या हो, डेटा का जो डेटा का एक्सचेंज समझ रहे हो ना, डेटा का लेन देन जो होता है, ठीक है, कहीं से हमें डेटा मंगाना है, कहीं हमें डेटा भेजना है, तो ये सारी प्रोसेस भी क्या हो, आसान से आसान बन सके, इसके लिए दोनों की दोनों सरकार, केंद्र और राज्य, क्या करेंगी, इनिशिएटिव लेंगी, कदम उठाएंगी और साथ में मिलकर के काम करेंगी। चलो अगले पॉइंट को देखें, सामाजिक आधारित अधिकारिकता के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, सबसे पहले तो, और क्या, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये कोडिंग से रिलेटेड है एक प्रकार से, और एआई से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, 5G, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आदि के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। मतलब क्या कि कुछ नहीं, ऊपर वाली बात थी, ऊपर वाले पॉइंट में बात थी क्या, डेटा सुरक्षा के बारे में क्या करना, प्रोटोकॉल वगैरह बनाना, और इस तरीके से प्रोटोकॉल बनाना कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हों, केवल नाम के लिए ना रहे। अब देखो जितनी भी नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, 5G, इन सारी चीज़ों का क्या हो, सही तरीके से उपयोग हो और इन सारी टेक्नोलॉजी के उपयोग को सरकारें बढ़ावा दें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर कुशल संसाधनों के बड़े पूल के निर्माण के माध्यम से भारत में उभरती हुई प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना। कुल मिला के टेक्नोलॉजी को लेकर के, प्रौद्योगिकी को लेकर के भारत को क्या बनाना है, वर्ल्ड लेवल का हब बनाना है, कि यहाँ पे देखिए हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम इजाद भी कर सकते हैं और उसका बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार जल्दी से पहले पुराने पॉइंट्स के साथ सारा का सारा डेटा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि हैदराबाद डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या बात हुई थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक और सरकार के बीच में क्या हो, नागरिक और सरकार को करीब लाने की कोशिश की गई थी। आधार, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन द्वारा, ई साइन और इस तरीके के जो क्या हैं, इंडिया स्टैक कलाकृतियों का लाभ उठाकर, ये जो ढांचे वगैरह है ना, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को बदलना, ठीक है, मतलब जो नागरिक सेवाओं का एक एक्सपीरियंस है उसको ही इन टोटल चेंज करना, और क्या करना, प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन को फास्ट ट्रैक करना। अच्छा, इनकी भी हमने बात कर ली, और आगे वाला पॉइंट देखिए क्या है कि सर, डेटा सिक्योरिटी की बात कर ली हमने, है ना, डेटा सिक्योरिटी की, कि प्रोटोकॉल कैसे बनाए जाएंगे और कैसे डेटा को सिक्योर्ड रखा जाएगा। फिर जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, मशीन लर्निंग, इन सारी चीज़ों को क्या करना, जिम्मेदार तरीके से उपयोग इनका बढ़े, इस पर क्या करना, काम करना, ठीक है, और क्या, भविष्य में भारत को इस तरीके से बनाना कि भारत जो है वो पूरे विश्व का क्या बन जाए, प्रौद्योगिकी हब बन जाए, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी विश्व केंद्र बन जाए भारत, ठीक है, पूरा विश्व जाने भारत को उसकी टेक्नोलॉजी के लिए। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, किस तरीके से मिल करके ई गवर्नेंस को दोनों की दोनों सरकारें, सेंट्रल और स्टेट लेवल की सरकारें बढ़ावा दे सकती हैं और क्या कर सकती हैं, कि महामारी जैसे व्यवधानों का सामना करने के लिए मजबूत तकनीकी संसाधनों के साथ लचीला सरकारी बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करें, ठीक है। देखो एक बात आपको बताऊं, जब भी आप ई गवर्नेंस की बात करोगे तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार की सेवाएं किस तरीके से जनता तक पहुंच रही है ना, पूरा का पूरा उस चैनल को शासन कहा जाता है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है, ये सारी जितने भी आप पॉइंट पहले पहले पीछे पढ़ते जा रहे हो, डिजिटलाइज करने का, ये करने का, वो करने का, वो कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ही है। तो बैकग्राउंड में ये चीज़ रखना कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ या समिट हुआ, नेशनल समिट ऑन ई गवर्नेंस, उसमें क्या था, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की ही बात करी गई थी। वहीं पे हैदराबाद डिक्लेरेशन साइन हुआ और उसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी का आधार यही है कि भारत में जो ई गवर्नेंस है उसे हम बढ़ावा देंगे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना, ऑफ ट्रैक मत हो जाना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट और किस बारे में बात हुई। चल रही सरकारी सेवाओं में अनुसंधान और विकास और प्रक्रिया पुनर्रचना की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, सरकारी सेवाओं में जो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है, ठीक है, उसे इंक्लूड करना और उसे बढ़ावा देना। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत को अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए और क्या है, बेंचमार्किंग सेवाओं द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच स्वस्थ स्पर्धा के माध्यम से उच्च स्तर तक सुशासन का उत्थान। मतलब कि इस तरीके से सारे के सारे लोग अपने आप को बेहतर बना लें कि एक कंपटीशन होने लगे कि हमारे यहाँ बेहतर गवर्नेंस है या उनके यहाँ ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस है, हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा सुशासन व्यवस्था है या उनके यहाँ ज़्यादा बेहतर सुशासन व्यवस्था है। चलिए अब आगे देखिए, ई गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से क्या किया जाए, NESDA 2021 को अपनाया जाए। ठीक है ना, NEADS, ठीक है, इसे क्या किया जाए, अपनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोक शिकायतों के निर्बाध निवारण के लिए सभी राज्य या फिर जिला पोर्टल को सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवरेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CPGRAMS, ठीक है, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म ये रहा। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाए, जोड़ा जाए। मतलब जितने भी लोगों को सरकार से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे राज्य स्तर के पोर्टल पर ये समस्याएं आए, चाहे क्या हो आपके जिला स्तर पर ये समस्याएं, लोक शिकायतों से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी उनके लिए एक पूरा का पूरा सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाए और इन सारी चीज़ों को एक साथ रखा जाए। किसके अंतर्गत, CPGRAMS के अंतर्गत। इसका क्या फुल फॉर्म है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवरेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब एक केंद्रीकृत जो लोक शिकायत है और इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं CPGRAMS। चलिए और क्या किया जाएगा, दोनों सरकारें मिलकर के क्या करेंगी, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के, ई गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत सम्मानित परियोजनाओं की प्रतिकृति और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार व उनका नामांकन। मतलब क्या करेगी, एक प्रकार से कंपटीशन किया जाएगा कि कौन सी व्यवस्था, कौन सी पॉलिसी, कौन सा प्रोजेक्ट ने क्या किया, बढ़िया काम किया, और फिर क्या हुआ कि जो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट होंगे, सबसे बढ़िया प्रोग्राम होंगे, उनका क्या पूरे के पूरे देश में प्रसार प्रचार किया जाएगा और उस तरीके की जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है उन्हें क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। चलिए अब सभी मंत्रालयों और विभागों में ई ऑफिस वर्जन 7.0, ठीक है ना, एक ई ऑफिस का वर्जन है ये। ठीक है, ई ऑफिस का वर्जन है। ठीक है, ई ऑफिस का वर्जन होता है 7.0, बस ये एक प्रकार का हाईटेक वर्जन है। ठीक है ना, उसे क्या करना होगा, सारे विभागों को, मंत्रालयों को अपनाना होगा ताकि किसी भी तरीके से सॉफ्टवेयर के स्तर पर क्या ना हो, दिक्कत ना हो कि अरे हमारे पास तो हमारा सॉफ्टवेयर ही पुराना है तो वो आजकल की चीज़ों के साथ काम ही नहीं करता, कंपैटिबल नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं देखा जाएगा। सारे मंत्रालयों, सारे विभागों को क्या करना होगा, ई ऑफिस वर्जन 7.0 अपनाना होगा। चलिए
जमीनी स्तर पर नागरिकों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी के लिए प्रचार डिलीवरी के प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, ठीक है ना। जमीनी स्तर पर नागरिकों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी के प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें, मतलब जनता को ये बताना है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है ना, जहाँ से सर्विस आप मांगेंगे और जब आपको वो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो सकता है, मानव रहित हो सकता है, एंड टू एंड क्या हो सकता है, बिना इंसानों के हस्तक्षेप के डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सारी चीज़ों को एक कंप्यूटर या ये एक फ़ोन के तहत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जनता को इन सारी चीज़ों के बारे में बताना कि हमारी ऐसी सर्विसेज भी हैं जिसमें जिन सर्विसेज को हम आप तक डिलीवर कर सकते हैं एंड टू एंड, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक बिना किसी भी मानव के हस्तक्षेप के। चलो, अब ये सारी स्कीम, ये सारी बातें जनता तक कैसे पहुंचनी चाहिए, ये सारी बातें जनता तक सरकार पहुंचाएगी और इसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का क्या करेगी, सरकार उपयोग करेगी। चलिए, और लास्ट पॉइंट क्या है इस घोषणा पत्र का, आई थिंक लास्ट ही है, जी हाँ, सरकारी सेवा डिज़ाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू डिजिटल बनाएं, ठीक है। चलिए, मतलब कि जो सरकारी सेवा डिज़ाइन है और वितरण का जो पहला पहलू होता है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप ही जो होता है गवर्नमेंट सर्विसेज का, उसे डिजिटल बनाएं और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करें। चल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने सारे के सारे जो हैदराबाद डिक्लेरेशन में पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, हैदराबाद डिक्लेरेशन, हैदराबाद घोषणा के तहत जिन सारी चीज़ों पे सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों को मिलकर के काम करना है ताकि देश में ई गवर्नेंस, ई शासन का स्तर और ज़्यादा बेहतर हो, उन सारे चीज़ों की हमने बात कर ली, ठीक है। कैसे कि सरकारी सेवाओं को डिजिटलाइज किया जाए, ऑफिस में जो ई ऑफिस वर्जन 7.0 है उसको अपनाया जाए, और क्या किया जाए, जो बेहतरीन परियोजनाएं हैं ई गवर्नेंस से रिलेटेड उन्हें क्या किया जाए, सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत किया जाए, और वैसी परियोजनाओं का क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। बुनियादी ढांचा जो है ऑनलाइन, ठीक है, उसे क्या किया जाए, लचीला बनाया जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाए, ठीक है। और क्या, सरकारी सेवाओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक ही डेटाबेस में होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, डेटा के लिए प्रोटोकॉल क्या क्या होंगे, है ना, डेटा एक्सचेंज के और बाकी सारी चीज़ों के, वो निर्धारित होने चाहिए और उसके हिसाब से सारे काम होने चाहिए। और क्या हो गया, भारत को टेक्नोलॉजी का वैश्विक हब बनाना है, वर्ल्ड लेवल का टेक्नोलॉजी हब बनाना है भारत को। और क्या बात हो गई, नागरिकों और सरकार के बीच में जो गैप है, ठीक है, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कम करना, नागरिक सेवाओं का जो एक तरीका है ना नागरिकों को सेवाएं देने का, उसे बदल करके डिजिटलाइज करना, और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं धीरे धीरे एकदम किसकी स्नेल की गति से, ठीक है, स्नेल की स्पीड से, उसे फास्ट ट्रैक तरीके से क्या करना, कंप्लीट करना। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने मिला होगा। और जो बच्चे अभी अभी फिर से सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें फिर से मैं बता देती हूँ कि देखिए चंद्रशेखर सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए केवल और केवल आज के लिए ही बस मैं आई थी आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कल से सर फिर से रिज्यूम करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस सेशन ने क्या किया होगा, थोड़ा सा आपकी पढ़ाई में वैल्यू ऐड किया होगा, और सर जितना बेहतरीन पढ़ाते हैं उसका कुछ ना सही तो 0.0001% ही सही, पर मैंने भी आप लोगों को कुछ तो समझाया होगा और आपको कुछ तो समझ आया होगा। चलिए, अब कुछ बच्चे पहली बार मुझे अगर देख रहे होंगे तो वो नाम पूछ रहे होंगे, तो नाम मेरा संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। जल्दी से सेशन को एक बार रैप कर लेते हैं कि ये जो ऐसे बोले कि 24वीं राष्ट्रीय
सम्मेलन हुआ था ई गवर्नेंस पर हैदराबाद तेलंगाना में 7 जनवरी और 8 जनवरी को। इसी सम्मेलन में हैदराबाद डिक्लेरेशन नाम के घोषणा पत्र को क्या किया गया, साइन किया गया। अभी घोषणा पत्र क्या है, इस घोषणा पत्र में बात करी गई कि किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के भारत में जो ई गवर्नेंस है, ई शासन है, उसको और बेहतर कर सकती है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पूरी की पूरी सबमिट हुई है वो ई गवर्नेंस पर ही हुई थी मेरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए तो फिर हमने और फिर क्या देखा कि इस घोषणा पत्र के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कैसे कैसे काम करेगी कि पूरे के पूरे देश में डिजिटलाइजेशन क्या हो, इंक्रीज हो। क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन इंक्रीज होगा तभी तो ई गवर्नेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें तो किससे जुड़ी हुई हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। अब क्योंकि ये सारा का सारा डिस्कशन गवर्नेंस से रिलेटेड था, पूरी की पूरी सबमिट ही इनफैक्ट शासन से रिलेटेड थी, इसलिए आपके जीएस पेपर मेंस के जीएस पेपर 2 जो कि गवर्नेंस की बात करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और साथ ही साथ कई सारे पॉइंट्स इसके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आपसे कहीं ना कहीं शायद इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इस डेक्लेरेशन के बारे में, या इस डेक्लेरेशन में जो इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं इस पर आपसे ओवरव्यू भी पूछा जा सकता है। एकदम तैयार रहिएगा इन सारे क्वेश्चन से डील करने के लिए। चलिए अब कभी मुलाकात होगी आप लोगों से, वैसे मैं सुबह 8:30 और शाम को 8:30 इसी YouTube चैनल पर जिस पर आप अभी मुझे देख रहे हैं IASPCS एग्जामपुर, उस पर करंट अफेयर के न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में क्या लेकर के आती रहती हूँ, सेशन लेकर के आती रहती हूँ मंडे टू सैटरडे। तो क्या करें, आज भी क्लास लूँगी 8:30 बजे, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपका सपना है IASPCS बनने का, तो आपके IASPCS के सपने को साकार करने के लिए एग्जामपुर लेकर के आया है सार्थक बैच, जिसमें आपकी तैयारी करवाई जाएगी प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तरीके से, ठीक है ना। डेडिकेटेड तरीके से प्री कम मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। इस पूरे के पूरे कोर्स का नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है 14999, लेकिन देखो भाई अभी चल रहा है एग्जामपुर का क्या न्यू ईयर धमाका, और इसका है आज लास्ट डेट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सार्थक बैच करना है अवेल, और अगर आप ये प्राइस भी नहीं देना चाहते हैं तो क्या लगाएं, कोड लगाएं NEW25 और पाए इंस्टेंट 25% का ऑफ। देखो बच्चे ये जो ऑफर है वो केवल आज रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है, तो जल्दी से इस ऑफर का क्या करें, फायदा उठाएं और जुड़ जाए सार्थक बैच से, और करिए IASPCS की डेडिकेटेड तरीके से प्री कम मेंस की तैयारी। चलिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है, आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में सेशन के एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, आपसे हमारी टीम जल्दी से जल्दी कनेक्ट करेगी। अब देखिए स्क्रीन पर आपके 10 के 10 एग्जाम दे रखे हैं, अगर आप आपके भाई आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी इन 10 में से किसी भी एग्जाम की करता है प्रिपरेशन, तो एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच हो चुका है लॉन्च, जिसमें आपकी तैयारी कराई जाएगी इन सारे के सारे 10 के 10 एग्जाम्स की, जिसमें यूपी लेखपाल यूपी पुलिस कांस्टेबल भी है, ठीक है ना। और ये सारे का सारा बैच जो है सुपर कॉम्बो परचम बैच आपके लिए रखा गया था जनरल कॉस्ट 1170 के प्राइस पर, लेकिन फिर वही बात कि चल रहा है भाई साहब अपना न्यू ईयर ऑफर, इसीलिए आपको मिलेगा इंस्टेंट 25% का ऑफ अगर आपको लेना है परचम बैच और आप कोड लगाते हैं NEW25। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे अगले कभी किसी सेशन में। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एग्जामपुर फैमिली है, आप चाहें तो हमसे यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। पढ़ाई लिखाई करते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा केवल और केवल एक दिन के लिए लाया गया ये सेशन कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।